बोरोली रेलवे पुलिस स्टेशन में अप्रैल 2022 में एक केस रजिस्टर हुआ था। उस केस में एक बुजुर्ग महिला को एटीएम से पैसे निकालते समय पैसे निकाल के देने का बहाना करके एक आरोपी ने वो बुज़ुर्ग महिला से उसका एटीएम कार्ड और एटीएम कार्ड का पासवर्ड भी चोरी किया था। और वही एटीएम कार्ड और पासवर्ड चोरी करके आरोपी ने कुल मिला के 46,000 रुपीज़ दूसरे एटीएम कार्ड में जाके एटीएम मशीन में जाके पैसे निकाल के चोरी किए थे। इसी मामले में हमारे पुलिस स्टेशन में आईटी एक्ट के तहत गुना रजिस्टर हुआ था। उस केस में हमारे पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस निरीक्षक नितिन लोंडे, डिटेक्शन टीम पुलिस हवलदार मोरे, पुलिस हवलदार जादव, इन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कड़ी मेहनत करके उस आरोपी को पकड़ा गया है। उसी आरोपी से हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस केस में जो 46,000 चोरी हुए थे, निकाले गए थे, उसमें से 24,000 बरामद किए गए हैं। जिस दिन हमारी पुलिस टीम ने उस आरोपी को पकड़ा है, वही आरोपी के पास कुल मिला के 37 डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स मिले हैं। और वही एटीएम कार्ड्स के ओनर के बारे में हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये एटीएम कार्ड किसके है। सर, किस लोगों को टारगेट करता था? बेसिकली ये लोग जो बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग जेंट्स जो एटीएम के बाहर जिसको पैसे निकालने का सिस्टम पता नहीं है, वही लोगों को टारगेट ये आरोपी करते हैं। तो क्या सर उनका पिन नंबर मालूम हो जाती थी या वो बताते थे? जैसे कि वो मदद करने के बहाने आरोपी के पास कंप्लेंट के पास जाते थे आरोपी, तभी वो आरोपी उससे पूछ के लेते थे कि आपका पासवर्ड बताओ। और उसके बाहर उनके हाथ में बहुत सारे एटीएम कार्ड्स भी रहते थे, वो हाथ चलाकी से उनके पास जो एटीएम कार्ड है कंप्लेंट के पास से वो अपने पास लेते थे, और अपने पास जो एटीएम कार्ड है वो कंप्लेंट को दे के वहाँ से निकल जाते थे। ये आरोपी कहाँ कहाँ ऐसे वारदात की? आरोपी मुंबई में रहने वाला है, माहुल गांव चेंबूर मुंबई में फिलहाल तो रहता है। उसका नेटिव है डिस्ट्रिक्ट गोंडा, उत्तर प्रदेश। सर, और इसमें धारा कौन सी लगाई थी? इसमें आईटी एक्ट की सेक्शन 66C और 66D आईटी एक्ट ये धारा लगाई है। उसके साथ इंडियन पिनल कोड 420 ये भी धारा लगाई गई है।